आए दिन हमारे खान पान में बदलाव हो रहा है जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। वहीं आयुर्वेद में कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिसका सेवन अगर हम अपने दैनिक रूप से जीवन में करें तो यह हमें कई रूप में फायदेमंद हो सकता है। आयुर्वेद की दुनिया में अश्वगंधा सबसे जड़ी बूटी और सबसे प्राचीनतम जड़ी बूटी में से एक है जिसका सेवन करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी पलामू डॉक्टर राम नारायण कारक सबसे जानते हैं कि ये अश्वगंधा कितना फायदेमंद है और किन चीजों में यह लाभदायक होता है। अश्वगंधा रसायन में आता है। अश्वगंधा जो है दवा के रूप में रसायन में आता है। ये किसी भी जो 5 साल से ऊपर है, वृद्ध है, किसी भी तरह का अगर डायबिटीज भी है तो वो भी खा सकता है। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, इससे आयु स्थिर रहता है और शरीर के सभी अंग को ये शक्ति देता है। इसीलिए किसी भी वर्ग के लोग इसमें खा सकते हैं, बच्चे छोड़ करके, और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। असल है रसायन में ये गुण है कि हमारे आयु को स्थिर रखता है, कि जल्दी तो कोई बीमारी नहीं होने देता है। चाहे आपको लगे या नहीं, अगर बराबर आप अश्वगंधा खाएं तो आपको एनर्जेटिक रहिएगा, सभी काम के लिए दुरुस्त रहेगा आपका शरीर। मतलब कैसे इसका सेवन कर सकते दूध हैं? से ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं। दूध से सबसे उचित इसका ये है, इसको पान का है, मधु से ले सकते हैं। जैसे आपको सबसे अच्छा दूध में इसके पाउडर को घोल करके, अभी तो कई कंपनी सिरप भी बनाया है, टैबलेट भी बनाया है, ऐसे रूट फॉर्म में आपको उसको सूखा हुआ मिलता है बाजार में, उसका पाउडर अपने से बना लीजिए तो सबसे अत्युत्तम है। बहुत सारे कंपनी का आता है अश्वगंधा, तो उसको ले सकते हैं। लेकिन अपने से अगर अश्वगंधा पंसारी के यहाँ से ले आया जाए और उसको कूट के छान के गोबर छान करके उसको रखा जाए दूध में या मध से, जिसको डायबिटीज है उसको दूध जो मध से नहीं लेना है, जिसको डायबिटीज नहीं है वो दूध से लें। अगर कुछ नहीं है तो पानी से भी ले सकते हैं, सवेरे शाम ले सकते हैं, खाने के बाद लेना है, खाली पेट नहीं लेना है। और ये किसी भी रोग के लिए ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, चाहे और भी कोई बीमारी हो जिसके लिए ये बाध्य है, ऐसा नहीं है। खास के वयस्क जो है उसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण दवाई है, जो उसके मस्तिष्क को, आंख को, शरीर के सभी अंग को ये शक्ति प्रदान करता है, ये मजबूती प्रदान करता है, आयु को स्थिर रखता है ये। इसीलिए अश्वगंधा ही बहुत ही आवश्यक है हम लोगों के लिए अभी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को सेवन करना चाहिए, खास के बुजुर्ग लोगों को तो ये रामबाण औषधि है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, शरीर के सभी अंग को ये मेरा बल देगा। सूखने से मस्तिष्क के जैसे नर्व्स को सूखने नहीं देता है, आँख के नर्व को सूखने नहीं देता है, इस तरह का बहुत सारे इसमें फायदा है।